और कैसे हैं कैसे हैं सुधीर सर? जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है अभी जिंदगी में? अब बस राजनीतिक और सामाजिक जीवन को अपनाया गया है, तो बस समाज की तालमेल सेवा। बिठाने की हाँ, कोशिश हो नहीं रही नहीं है। तालमेल बैठा हुआ है, और 20 ईयर्स हो गए पार्टी का और विचारधारा का काम करते हुए, तो तालमेल तो बैठा हुआ है, और जी, यही अब जिंदगी बन गई है, तो फिर इसके अलावा जीवन में अब कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ सोचने का, आप कुछ तो करने का पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कैसे मैनेज होता है सब कुछ? हेक्टिक शेड्यूल हो जाता होगा। नहीं। जब एक धारा को अपने जीवन में आत्मसात आदमी कर लेता है, और मैंने तो काफ़ी एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी राजनीतिक जिंदगी को शुरू किया, और फिर मोहन सिंह जी के साथ बहुत लंबा समय मैं रहा हूँ, और उनको मैंने देखा है काफ़ी नज़दीक से, काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। फिर उसके बाद से हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के संपर्क में आए, और उनको देख करके, उनको अपना नेता मान करके, चूंकि मैं उनको नेता ही सिर्फ नहीं मानता हूँ, चूंकि एक भगवान और भक्त का जो संबंध होता है, उसी तरह से एक नेता और कार्यकर्ता का संबंध होता है, जी तो मैं उनको एक नेता के साथ साथ अपने लिए एक आइडियल मानता हूँ, अपना एक आदर्श मानता हूँ, और उनको अनुसरण करता हूँ। इसलिए कि मैंने जब उनको एक नेता के रूप में मैंने देखा, और उनके जब मैं नज़दीक हुआ, जब मैं उनके नज़दीक जाकर के काम करना शुरू किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनसे बेहतर कोई नेता नहीं है, और काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे सीखता हूँ मैं, उनके बयानों को देखता हूँ, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखता हूँ, तो उसको मैं एनालिसिस करता हूँ, और फिर मैं उसको अपने जीवन में उतार करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, और लोगों से जुड़ने का, मिलने का, जिस तरह से वो उनके अंदर एक ईश्वरीय अद्भुत शक्ति है जो आकर्षित करती है लोगों को, और जिस तरह से उनका मिलनसार व्यवहार है, मिलनसार स्वभाव है, लोगों को काफ़ी करीब अपने लाते हैं, और लोग जो एक बार उनसे मिल लेता है ना, फिर उनसे दूर नहीं जाता है। मुलाकातें होती हैं आपकी अक्सर? काफ़ी मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि हमारी जो एक उनको लेकर के एक सोच रहती है कि भगवान और भक्त का जो एक संबंध होता है, उसी तरह से वो एक नेता और कार्यकर्ता का मेरा संबंध है, वो हमारे नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, और मुलाकात जब भी मुझे कोई व्यक्तिगत आवश्यकता पड़ती है, राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत भी कोई आवश्यकता पड़ती है, तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो मेरी मुलाकात हो जाती है। और काफ़ी उन्होंने तो एक परिवार के सदस्य की तरह से हम लोग, हमारे जैसे लाखों युवाओं को उन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह से आगे बढ़ाया है, उनकी मदद किया है, उनको राजनीति सिखाया है, उनको राजनीति की धारा में कैसे रहना है, कैसे लड़ना है, कैसे सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करना है, इसलिए उन्होंने काफ़ी कुछ एक वो एक युवाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी है, पूरी तरह से कह सकते हैं आप, जी कि युवाओं को एक मतलब कैसे वो आगे बढ़ाते हैं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को कैसे वो मजबूत करते हैं, सामाजिक जिंदगी को कैसे मजबूत करते हैं, राजनीतिक जिंदगी को काफ़ी कुछ वो मदद करके और काफ़ी बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के देश में उनके जैसा कोई नेता नहीं है जो युवाओं को सबसे ज़्यादा राजनीति में आगे ले जाए और प्रगति के पथ पर ले जा करके, और उसको एक नाम दे, पहचान दे। तंत्र के लिए बातों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा राजनीति पे आते हैं। मेरा एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन, चूंकि आप गठबंधन के हिस्से हैं और संभवतः अखिलेश जी न्याय यात्रा में शामिल होंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं? नंबर्स की बात करें, परिणाम, अल्टीमेटली परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला सकती है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बीतने के बाद से उसी समय से उन्होंने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, और हम लोग 80 लोकसभा चुनाव में, 80 लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रों में पार्टी की आनुषांगिक संगठनों की बैठक कराना शुरू किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर। उसके बाद से हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर बैठकें की, विधानसभा स्तर पर किया, जिला स्तर पर किया, मंडल स्तर पर, और तमाम छोटे बड़े आयोजन करते हुए हम लोग 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने हमने एक थॉट रखा, एक विचारधारा रखी कि हमने उत्तर प्रदेश को कैसे जीतना है, और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए किन किन तरह से हम लोग कैसे कैसे, जैसे हमारी जो आरक्षित सीटें हैं उनके लिए हम लोगों ने एक अलग रास्ता बनाया कि कैसे उन सीटों को हम लोग को जीतने के लिए कैसे हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसके बाद से जो अन्य सीटें हैं उस पर हम लोग को जीतने के लिए अलग तरीके से हम लोगों ने मैप तैयार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर काफ़ी कुछ काम किया, और उन्होंने जो एक रास्ता बनाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास करती है, इसी का नतीजा था कि 2022 के चुनाव में 40 40 चार्टर्ड प्लेन, 60 60 हेलीकॉप्टर उड़ते थे उत्तर प्रदेश में, और अकेले एक योद्धा की तरह से श्री अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस को भरोसा देते हुए जनमानस को संबोधित कर रहे थे, और मतलब उत्तर प्रदेश की, सुदीप जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया, 36% पहली बार हम लोगों को वोट मिले, और बहुत कम अंतर से हम लोग सरकार बनाने से रह गए। अगर सरकार बनाने के समय भारतीय जनता पार्टी की जो मिशनरी है,
अगर इन लोगों ने दबंग ही नहीं किया होता, लंपटा ही नहीं किया होता, गुंडा ही नहीं किया होता, अराजकता नहीं फैलाई होती, तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। और हम लोगों ने कोई लोक लुभावन बातें नहीं किया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, जो समाज में एक उनकी विश्वसनीयता है, उन्होंने काम करके दिखाया। 2012 से लेकर के और 17 तक जब उनकी सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो विश्व की पहली वो ऐसी सरकार थी, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की पहली ऐसी सरकार थी जिसने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने लैपटॉप ला करके उत्तर प्रदेश के गाँव गरीब जो झोपड़ी में रहने वाले परिवार थे उनके बच्चों को भी जो महंगे एजुकेशन के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उसको श्री अखिलेश यादव जी ने उपलब्ध कराया। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और आज तो बहुत सारे राज्यों में, देश के विभिन्न कोने में या विश्व के अन्य जो देश हैं उनमें बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया जा रहा है। लेकिन उसकी शुरुआत किसने किया? अभी एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। अभी प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन कर करके जैसे दिल्ली में पहुंचा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को हम छत पर सोलर देंगे। आपने भी वो खबर देखी होगी, हमने देखी। इसकी शुरुआत 2014 में श्री अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में उन्होंने सोलर प्लांट की स्थापना करा दिया था और लोगों के घरों पर सोलर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी पहुंचाने की उन्होंने शुरुआत किया। और उसकी उसका उद्घाटन जानते किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। तो जो काम आप 2024 में कर रहे हैं उसको तो हमारे नेता 10 बरस पहले से रख ले यादव जी ने कर दिया। तो जो दुर्गामी सोच है, जो हमारी एक समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सिद्धांत की जो एक सोच है, उसको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम लोग कितने पॉजिटिव रहते हैं जनता के प्रति। जनता के प्रति हम लोग उनके दुख दर्द को कितना हम समझते हैं। आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कितना रुपए दे रहे हैं? 2000 रुपए। लेकिन हमारी जो ग्रामीण बच्चियां थी, गरीब परिवार की बच्चियां थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। आप भी गाँव के रहने वाले हैं सुदीप जी, आपको तो सारी चीजें पता है जी। इंटरमीडिएट के बाद से नेताजी ने और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्या विद्याधन दिया। वो एक ऐसी योजना थी कि इंटरमीडिएट चाहे अगड़ा की लड़की हो, चाहे पिछड़ा की लड़की हो, चाहे दलित की लड़की हो, चाहे अल्पसंख्यक की लड़की हो, सबको उन्होंने 30,000 रुपये दिया। जगह बदलनी पड़ी क्योंकि हमारे कैमरे टीम को दिक्कत हो रही थी और हम लोग फ्रंट में नहीं आ रहे थे, तो आई थिंक ये जगह सही है। तो पिछला, दलित और अल्पसंख्यक, PDA, अब ये लेके चल रहे हैं नारा अखिलेश यादव। इसके पहले आपने कहा अपनी बातों में कि सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। मेरा सवाल यही है, जब सरकारें सभी वर्गों के लिए काम कर रही हैं तो PDA का मतलब क्यों? क्योंकि संवैधानिक तौर पे तो अगर आप सरकार बनाते हैं तो आपको सबको सर्व करना है। सुदीप जी, PDA का पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों तैयार किया गया। जी, हमारे इको गार्डन में आप चले जाइए लखनऊ में, जिस तरह से 2.5-3 वर्षों से योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान धरने पर बैठे हैं और वो अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आखिर उनके आरक्षण की बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? उनके हक की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो सवाल है, वो इतने लंबे समय से कोई ऐसा अखबार नहीं है, कोई ऐसा टेलीविजन नहीं है, कोई ऐसा संचार माध्यम नहीं है जिसने इस मुद्दे को नहीं उठाया, और सबने उठाया। अगर पिछड़ों की हकमारी की जाएगी तो पिछड़ों की तो बात करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, दलितों के आरक्षण की बात, दलितों के हक को मारा जाएगा, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है संस्थाओं का, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद से जिस तरह से उनको सरकारी नौकरियों से विरक्त किया जा रहा है, उनके हक को नहीं दिया जा रहा है, तो दलितों की तो बात करनी पड़ेगी ना। मुस्लिम वर्ग के जो हमारे भाई हैं, अगर हमने देश की आज़ादी में योगदान दिया है तो अपनी संख्या के मुताबिक हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको बाइफर्केट करके क्यों देखते हैं आप? उनको अलग नहीं देखना चाहिए ना, वो भी तो भारत के नागरिक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार आप क्यों करते हैं? उनके घरों पर आप बुलडोजर भेज देंगे, पिछड़ों के घरों पर बुलडोजर भेज देंगे, दलितों के घरों पर बुलडोजर भेज देंगे। और टॉप 10 क्रिमिनलों की जो सूची हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगा असेंबली में, तो योगी जी आज तक नहीं दे पाए। उसमें कौन है? आप भी जानते हैं कि जौनपुर के पूर्व सांसद हैं। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं भेजते हैं, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी उनको आशीर्वाद देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की खुद जब राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप देखेंगे सुदीप जी, आप नौजवान हैं,
और हम लोग तो काफी उम्मीद भी आपसे करते हैं कि आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो राजनीतिक जिंदगी है ना, उसको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का माइंडसेट किस तरह का है। आज बहुत समर्पण की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जीवन में कभी समर्पण देखा ही नहीं है और किसी के प्रति वो समर्पित रहे भी नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 2002 में हिंदू वाहिनी संगठन के पदाधिकारियों को भाजपा के खिलाफ लड़वाया उन्होंने। 2002 में लोगों को चुनाव हरवाया भाजपा के नेताओं को, 2007 में लड़वा करके हरवाया, 2012 में लड़वा करके हरवाया। तो जो आदमी अपने दल के प्रति खुद ही वफादार नहीं रहा हो, उससे हम वफादारी की उम्मीद क्या करें। और योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि देवरिया मेरा आंगन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी देवरिया की तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा युवाओं को अगर अपराध के रास्ते पर कोई ले जाने वाला नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आपको शायद मेरे उत्तर से थोड़ा अटपटा लगेगा, मतलब ये आरोप है, थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन इसका एक मिसाल सुन लीजिए। जब हिंदुओं ने हिंदुआ वाहिनी का गठन किया तो सबसे कम कम उम्र के लड़कों को, कम उम्र की अवस्था के युवाओं को उन्होंने हिंदुआ वाहिनी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। पढ़ाई छोड़ छोड़ करके, हम तो पूरब के रहने वाले हैं, आप भी पूरब के रहने वाले हैं, पढ़ाई छोड़ छोड़ करके युवाओं ने इनके संगठन का बागडोर संभाला। ये मुख्यमंत्री बन गए, इन्होंने हिंदुआ वाहिनी को विलय कर दिया। लेकिन मेरी जानकारी में 25,000 से ऊपर ऐसे नौजवान हैं जिनके ऊपर तमाम गैंगस्टर गुंडा जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने के इनके ऊपर आरोप लगे, तमाम तरह के दंगों में ये शामिल रहे और मुकदमा दर्ज हुआ। और वो लड़के आज भी मुकदमा लड़ते हैं, तारीख पर जाते हैं, पेशकार को पैसा देना है, वकील को पैसा देना है, गाड़ी में पेट्रोल भरानी है। वो लड़के कहीं पर जा नहीं सकते, उनके पासपोर्ट नहीं बने, नौकरियों में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 25,000 से ऊपर ऐसे नौजवान हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने घर वालों से पैसा मांगते हैं, घर वाले पैसा नहीं देते, आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपना मुकदमा वापस कर लिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपना मुकदमा वापस कर लिया, लेकिन उन युवाओं के बारे में इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि योगी आदित्यनाथ जी एक धोखेबाज नेता है, अपने कार्यकर्ताओं का कभी ख्याल करने नहीं करने वाले नेता है। और यही हमारे और उनकी पार्टी में अंतर है कि श्री अखिलेश यादव जी लाखों ऐसे नौजवान हैं जो उनके ऊपर मर मिटते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। योगी आदित्यनाथ पे आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि उनकी सियासी जो है वो सांप्रदायिकता के धरातल पे है, और आपने तमाम एक बड़ा आरोप ये लगाया कि उनकी वजह से, उनके पूर्व में जो संगठन था उनका हिंदू युवा वाहिनी, उसकी वजह से बहुत सारे युवाओं पे मुकदमे हैं जिन्हें हटाया नहीं गया और वो आज भी सफर कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये आज के राजनीति का हकीकत है। एक तरह से सांप्रदायिकता जो है राजनीति की हकीकत बन चुकी है। राम की बात करते हैं, चूंकि भाजपा राम को लेके आगे बढ़ रही है, आपका राम के प्रति कितना विश्वास है? सुदीप जी, राम हमारे आदर्श हैं, हमारी मर्यादा है। और प्रभु श्री राम जी के बारे में कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका जिस तरह से राजनीतिक उपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा में अगर कुबत है तो समाजवादी विचारधारा से लड़ ले। हम लोग तो डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम्हारी राजनीति में इतनी कुबत अगर हो तो तुम हमारे नेता की विचारधारा पर, हमारे नेता के सिद्धांत पर, हमारे नेता के डेवलपमेंट पर, हमारे नेता के विकास की योजनाओं पर तुम्हारे अंदर कुबत है तो तुम लड़ लो। लेकिन जब हम विचारधारा पर बात करते हैं, सिद्धांतों पर बात करते हैं, आरक्षण पर बात करते हैं, महिला के उत्पीड़न पर बात करते हैं, तब वो प्रभु से राम की बात करते हैं, तब वो राम पे आ जाते हैं। सुदीप जी, हमारे लिए और आपके लिए कोई भी, हमारा किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आदि जितने भी धर्म है, वो हमारी आस्था के केंद्र है, राजनीति के केंद्र नहीं है। और भाजपा के अंदर अगर कुवत हो और क्षमता हो तो प्रभु श्री राम जी के आड़ में चुनाव लड़ने की बात छोड़ करके तुम अपने विचारधारा पर लड़ो, तुमको तुम्हारी हैसियत हम बता दें। लेकिन हकीकत तो यही है कि आप जनता को कैसे समझाएंगे कि असल मुद्दे उसके लिए क्या है, क्योंकि जी बात बताइए, अगर जनता सस्ती नहीं 36% हम तोड़ दें, हमारे नेता पर, नेता की नीतियों पर विश्वास जनता ने किया ना, हम तो मामूली वोटों से हम सिर्फ सरकार नहीं बना पाए, जनता ने विश्वास किया ना। और जनता के विश्वास का परिणाम है योगी आदित्यनाथ जी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने बैठे हुए लोग हैं, इतने छुटे और इतने मक्कार हैं सब। अभी एक देवरिया के प्रभारी मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, इस आदमी को जब परिवहन मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो इस आदमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 1 लाख गाँव में 2000 हम नए बसें खरीद के देंगे और गाँव से लेकर के शहरों तक तो लोगों की यात्राएँ होंगी, उससे कहीं 2000 बसें दिख रही हैं आपको? हमारे लिए हमारे देवता हैं, वो तो एक हमारे लिए संस्कृति और एक सभ्यता है, हमारे लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है कि हमको अपने जीवन को कैसे जीना है, हमको अपने परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, दबे कुचले शोषित वंचित जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, जो हमारे आदर्श है देवी देवता जो हमारे उन्होंने सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देवी और देवताओं का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती है, अपने करती है। जब ये हारने लगते हैं तो हमारे देवी देवताओं के पीठ के पीछे ये छुप जाते हैं। हम अपने देवी देवताओं से लड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए, हम उनके आदर्शों को मानने के लिए आए, लोगों के जिंदगी को बेहतर करने के लिए आए, लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए आए। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ सुदीप जी कि अगर आपका इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनेंगे तो सिर्फ एक शिक्षा मैं उनको देना चाहता हूँ, जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, सबको समान दृष्टि से देखो और देवी देवताओं के पीछे छुप करके राजनीति को आरंभ करो। गुरिला युद्ध नहीं किया जाता है, तुम्हारी तो में कुबत हो तो हमारे नेता के विचारधारा में आकर के लड़ लो, तुमको तुम्हारी बता देंगे। चलिए, राम की बात हो चुकी है, अब आपके व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं, आप आगे क्या कर रहे हैं, मतलब आपको चुनाव लड़ना है, लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है, कौन सा चुनाव लड़ना है, इस पर थोड़ा समय जानना चाहूँगा। सुदीप जी, हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे लिए हमारे परिवार में कभी किसी ने राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं होगा, बहुत सामान्य परिवार है और हमारे जो पुरखे पूर्वज रहे हैं, हमारे बाबा दादा, कभी कोई हमारे परिवार से वार्ड मेंबर भी नहीं रहा है। और जो हमारा गांव है वो बिहार की सीमा पर है, बिहार और यूपी का जो सीमा है वहाँ के हम रहने वाले हैं, और बिहार का भी सबसे अंतिम सिरा है और उत्तर प्रदेश का भी सबसे अंतिम सिरा है, और वहाँ पर डेवलपमेंट हम लोगों ने कभी, जब मैं बचपन में था और थोड़ा थोड़ा उम्र आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने विकास क्या होता है कभी देखा नहीं था। जब गांव में चुनाव होता था, गाड़ियाँ प्रचार वाली आती थी, तो हम लोग बैनर पोस्टर रोड के किनारे पड़ा रहता था तो उठाने के लिए जाते थे, जो नेता लोग आते थे उनका नारा लगाते थे, तो हम लोग खेलने कूदने की उम्र से ही। लेकिन मेरे साथ एक घटना हुई जब मैं 9 बरस का था, तो मेरे मैं ये पूछने वाला था, किस उम्र में आपकी समझ पॉलिटिकल पार्टी किसकी तरफ गई और किस उम्र में आपने समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का रास्ता चुना, ये मेरे सवाल में है। हाँ जी, नहीं 1994 बस था जी, और मेरे फादर टीचर थे हाई स्कूल में, गाँव में ही बैठा था, और 1991 में मेरे फादर बीमार हो गए थे और 94 में उनका डेथ हो गया फादर का। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, 6वीं में मैंने प्रवेश लिया था। परिवार की स्थिति बिगड़ गई, फिर माता जी हम लोगों को लेकर के ननिहाल चली गई। भारत मेरी पढ़ाई की जो स्थिति थी वहीं से थोड़ी थोड़ी धीरे हो गई, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, हमारे बाबा जी ने हमारा बहुत सहयोग किया, पढ़ाया लिखाया, हमारे मामा जी ने बहुत सहयोग किया, हमारे छोटे चाचा जी ने बहुत सहयोग किया, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगा, फिर कैसे भी करके टेंथ किया, फिर किया, फिर उसके बाद से धीरे धीरे खेलने की चलती दिया। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें मेरी मोहन सिंह से मुलाकात, 2004 के लोकसभा के चुनाव के बाद 2005 शुरू हो रहा था, 2004 खत्म हो रहा था, उनमें क्या 20-22 साल, मतलब जस्ट आप एक युवा बन चुके थे। हाँ, लेकिन किशोरावस्था से युवा की तरफ, लेकिन जो मेरी समझ थी 40 वर्ष की उम्र में लोगों की तरह हो गई थी, इसलिए कि फैमिली की जो लायबिलिटी थी, हाँ जिम्मेदारियां सिखाती हैं, हाँ जिम्मेदारियां सिखाती हैं, फैमिली की जो लायबिलिटी थी उसकी वजह से मैं काफी अपने आप को भाग्य से अपनी काफी बड़ा जिम्मेदारियों की वजह से हुआ। फिर मैं मोहन सिंह जी के संपर्क में आया और मोहन सिंह जी को देखने के बाद से, उनके साथ रहने के बाद से, धीरे धीरे फिर उन्होंने
राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर हमारे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनसे मिलने के बाद से फिर मैंने ये जीवन में तय कर लिया कि यही हमारे नेता हैं, यही हमारे आदर्श हैं, इन्हीं की नीतियों पर चलना है, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है और इनका ही जिंदाबाद बोलना है, ये मैंने संकल्प ले लिया। मतलब कच्चे घड़े पे समाजवादी पार्टी की लेप लग गई और आप 20 साल का अनुभव, आपका 20 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया, आप पक्के समाजवादी हैं। नहीं, पक्का समाजवादी तो ये तो जनता तय करेगी और हमारी पार्टी तय करेगी कि हम पक्के समाजवादी हैं या नहीं है, लेकिन समाजवाद मेरे अंदर जो आत्मसात हुआ ये राजनीति में नहीं आने के पहले हो चुका था, इसलिए कि जब पिताजी नहीं रहे और जब मेरा संकट का दौर था तो उस समय ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे जीवन में मदद किया जिन्होंने कभी जाति का वो नहीं देखा, धर्म का नहीं देखा, हर जाति और हर धर्म के लोग हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं और उन लोगों ने काफी सहयोग किया। मैं जो कुछ भी निजी जिंदगी में अपने दोस्तों की बदौलत अपने साथियों की रास्ते से निकल करके आई है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपने अखिलेश यादव जी को एक आदर्श के रूप में, एक नेता के रूप में और एक अपने जीवन के रोल मॉडल के रूप में देखा है। इसलिए कि उनसे जब आप बात करेंगे ना, उनसे जब आप चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, वो जब बैठक करते हैं ना तो बैठक वो लीडर और वर्कर के बीच में नहीं करते हैं वो बैठक हमेशा जब करते हैं ना तो एक फैमिली के अभिभावक की तरह से बात करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के किसी भी बात से मिलेंगे उनको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कई युवा भैया कहते हैं, कई युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कई युवा माननीय जी कहते हैं, तो हम लोग इतना उनसे कनेक्ट हैं, इमोशनली कनेक्ट हैं कि उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इन सेंस कि अपने जीवन के सारे सुखों का परित्याग करके भी उनके पीछे चलना पड़े तो हम लोग चलने के लिए आतुर रहते हैं। हम लोग कभी किसी तरह का लोभ और लालच नहीं देखते हैं, हम लोग उनके पीछे चलने के लिए, उनका जिंदाबाद बोलने के लिए, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको अपना नेता मान करके, उनको उनके सिद्धांतों को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। एक बड़ा आरोप लगता है अखिलेश यादव पे अक्सर, अखिलेश यादव ही नहीं सिर्फ अन्य अन्य सभी पार्टी भाजपा लगाती है कि ये पार्टी परिवारवादी है। राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़ है, इस पे आप क्या कहेंगे? सुदीप जी, ये एक बड़ा विकट समय है कि भारत में भाजपा के झूठ को स्वीकार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ गठबंधन में है, पिता और पुत्र हैं कि नहीं है? संजय निषाद जी उनके साथ गठबंधन में है, पिता और पुत्र हैं कि नहीं है? अनुप्रिया पटेल जी उनके पति उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं, गठबंधन में है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन कितनी बेशर्म और बेहयात तरीका है बोलने का कि देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, तुम्हारे एनडीए के साथी सुन रहे हैं और तुम कह रहे हो। एक अमित शाह जी का भाषण सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा 2G 3G और 4G की बात उन्होंने किया, आपने सुना होगा, हमें तो हंसी आ रही थी। 2G मतलब पिता पुत्र ओम प्रकाश राजभर जी अरे मतलब कितनी ताजुब की बातें हैं, मतलब आपने इंटरप्रेट कर दिया नहीं, आप खुद सोचिए, मतलब कि पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा, तुम अपने साथियों को लेकर के झूठ बोल रहे हो और अपने लड़के के बारे में तो सोचो आप, जो नाकाबिल लड़का है, जो किसी काम के लायक नहीं है, उसको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। अनुराग ठाकुर कौन है आप हमें बता दीजिए, पंकज सिंह कौन है आप हमें बता दीजिए। ऐसे हजारों नाम हैं भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद की वजह से, और वो परिवारवाद एक भी देख लीजिए, ये जितने भाजपा के परिवारवादी हैं ये तो संघर्ष के रास्ते से नहीं आए, एक रेड कार्पेट के रास्ते आए हैं और हम लोग संघर्षों के रास्ते से आए हैं। हमारे नेता आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब बहुजन समाज पार्टी की आतताई हुकूमत थी उस समय हमारे परम पूज्य नेता जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस सामंती ताकतों के सामने आग में झोंका था, इकलौते अपने चराग को जिसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना अक्स भी मानती है और अपना आईना भी मानती है, श्री अखिलेश यादव जी को उनको उन्होंने युद्ध के मैदान में भेजा और युवाओं का उन्होंने नेतृत्व किया। और सबसे बड़ी पार्टी अगर युवाओं की है तो वो समाजवादी पार्टी है, और कोई भी बड़े परिवार का युवा नहीं है, एक
खास बात ये भी जान लीजिए, सब दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित जो परिवार हैं किसी भी जाति किसी भी धर्म के, उन परिवारों के युवा उनके साथ हैं। आपकी सीट कौन सी होगी, कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए सुदीप जी, लक्ष्य तो होगा नहीं, बिल्कुल इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, हर राजनीतिक कार्यकर्ता का ये मन करता है कि चुनाव लड़े, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि हमारे नेता हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मुझे MLA बनना है, MP बनना है, नहीं बनना है, क्या बनना है मुझे, वो सिर्फ हमारे नेता से। अखिलेश जी को पता है कि आपको क्या बनना है, आपने बताया कभी? अभी तक एक विधानसभा स्तर के पदाधिकारी को पार्टी के स्पोक पर्सन तक वो लेकर के आए हैं, पार्टी का उन्होंने प्रवक्ता बनाया है, वहां से लेकर के जब मैं अपने पीछे के दौर को देखता हूँ, गांव के युवा को निकाल करके यहां तक लाना, ये सिर्फ और सिर्फ कुवत हमारे नेता से देखने से आरोप है और किसी भी नेता के लिए। उन्होंने कच्ची मिट्टी को आकार देकर के हमारे जैसे लाखों युवाओं को बनाया है, सदन में पहुंचाया है, बोलने लायक बनाया है, चलने लायक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने लायक बनाया है। बजट बहुत बड़ा है इस बार का उत्तर प्रदेश का, और आपकी तैयारियां भी बड़ी हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बहुत तैयारियां बड़ी की हुई हैं। ये बजट एक लुभावना बजट है उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम पूरी तरह बदल देंगे, इसकी तस्वीर बदल जाएगी। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो रही है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, 2 दिन चलेगी, और 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश का प्रस्ताव उसमें भी है। कैसे मुकाबला होगा? सुदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जुबान से जब मंचों से बोलते हैं तो उनकी बोलने के समय की शैली को आप एनालिसिस करिएगा, उनकी बात और उनकी जुबान साथ नहीं देती है। योगी आदित्यनाथ जी को 7 वर्षों में 100 लाख करोड़ से ऊपर रुपए मिले हैं, 100 लाख करोड़, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम होती है 100 लाख करोड़ रुपए। 40 लाख करोड़ रुपए आपने अभी इन्वेस्टर समिट में लाए हैं, जैसा आपने असेंबली में एक्सेप्ट किया है। एग्जैक्टली। इन 7 वर्षों में केवल सालाना जो बजट है वो 36 लाख करोड़ से ऊपर का है, मतलब 36 लाख करोड़ से ऊपर का आपने सालाना बजट 7 वर्षों में हासिल किया है। अनुपूरक बजट आपने लाया है, डिफेंस एक्सपो कराया आपने, वो ना निवेश लाया आपने, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी आगरा में उतरते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए मैंने दे दिया, देवरिया में उतरते हैं तो कहते हैं 7,000 करोड़ रुपए देवरिया को दे दिया, गोरखपुर में उतरते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए गोरखपुर को मैंने दे दिया, ऐसे ही तो बोलते हैं। अमित शाह जी जाते हैं तो ऐसे तो कहते हैं 3,000 करोड़ रुपए मैंने बहराइच को दे दिया, योगी जी जाते हैं तो कहते हैं 700 करोड़ रुपए मैंने बस्ती को दे दिया। तो ये जो पैसा आप देते हैं, पूरा पैसा अगर 7 वर्षों में आप एनालिसिस करेंगे तो 100 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, लेकिन 10 काम धरातल पर आपको इनके दिखाई नहीं देंगे। इतनी बड़ी युवाओं की फौज जो बेरोजगार घूम रही है, आप कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे, नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम युवाओं को सबल और सशक्त बनाएंगे, तो पुरानी शिक्षा नीति से जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं आखिर उनका भविष्य क्या है? महंगी शिक्षा हासिल की है युवाओं ने, बड़े बड़े घरों के लड़के तो अपने आय से अपने रसूख से पढ़ाई लिखाई तो बड़े बड़े स्कूलों में कर लिए, लेकिन हमारे मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, उन लोगों ने गहने गिरवी रखे, खेतों को बंधक रखा, बैंकों से कर्जा लिया और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आज युवा दर दर तक ठोकरे खा रहा है। आउटसोर्सिंग आप लेकर के चले आए, आउटसोर्सिंग की स्थिति यह है कि जो संस्थाओं में लड़के काम कर रहे हैं 8-8 महीने से 9-9 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, और आउटसोर्सिंग में नौकरी पाने के लिए 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख। मुझे तो बहुत हंसी आती है, हमारे देवरिया में एक PPP मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें नर्स का काम करने के लिए, वार्ड बॉय का काम करने के लिए लड़कों ने 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए दिए हैं एजेंसियों को, और उसके बाद से 3 महीने बाद वो लड़के नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं।
किसी ने अगर शिकायत कर दिया तो लड़के नौकरियों से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये आलम है उत्तर प्रदेश के बजट का, ये पागलों की स्थिति है इस सरकार में बैठे हुए लोगों की, जो मुंह में आया बोल देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस स्वभाव के नेता हैं उनको बजट नहीं पता है, मंदिर मस्जिद पता है, भारत पाकिस्तान पता है, हिंदू मुसलमान पता है, लेकिन उनको बजट नहीं पता है। और मैं तो कभी कभी माथा पीटने लगता हूं यह उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की क्या भाषण सुनता हूं विधानसभा में, तो वो सवाल करते हैं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से, जिनकी सिंगल इंजन की सरकार थी, इनके पास तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 56 इंच का सीना है इनका, आदमी में तो किसी का मैंने आज तक नहीं देखा 56 इंच का सीना, कोई बहुत डरावना जानवर होता होगा उसी का 56 इंच का सीना होता होगा, बाकी इंसान में किसी का 56 इंच का सीना नहीं होता। ये तो ये 56 इंच वाली सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तो सिंगल से बनाया था, उन्होंने अपने रिसोर्सेज से बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो चिंता गाढ़ी कमाई थी उस गाढ़ी कमाई को उन्होंने एक ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण करके दिखाया जो उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सड़क है। और देखिए ना, हम लोग तो बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, जब उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था तो मेरे जैसा नाचीज कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित था, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने सुखोई उतारा था उस रोड की टेस्टिंग के लिए, और उसके पीछे उनका जो उद्देश्य था, कितनी दूरगामी उद्देश्य के वो नेता हैं, कितने दूर तक वो राजनीति में सोचते हैं कि कभी कोई भारत पर आपातकाल स्थिति आ जाए, कोई भारत पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत को सड़कों का उपयोग करना पड़े अपनी सेना के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए, तो उन्होंने सुखोई और मालवाहक विमान को उतारा था। और सरकार बनते ही एक मूर्ख मंत्री जो है वो चला गया कुदाल लेकर के सड़क की टेस्टिंग करने। अब आप बताइए कि सड़क किस तरह की बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सरकार के बारे में सिर्फ इतना जानिए आप कि सिर्फ जुबान के धनी हैं, धरातल पर इनसे कभी कोई भी चीज की उम्मीद मत करिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश और देश के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको मत टीए दीजिए, मत डीए दीजिए, हमको सिर्फ हमको पुराना पेंशन दे दीजिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता के लिए सामाजिक पारिवारिक रूप से अगर सबसे कोई सशक्त बनाने वाली योजना थी तो पुराना पेंशन था। आपके भी गांव घर में आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जब रिटायर होता था और पुराना पेंशन मिलता था तो उससे उसके परिवार का ताना बाना कितना मजबूत रहता था। अभी कोविड का काल था, आपने देखा होगा जो नौकरी में लोग थे जो पेंशन पा रहे थे उनके घर पर कोई परेशानी की बात नहीं आई, लेकिन जिनके घरों में नौकरी नहीं थी, जिनके घरों में पेंशन नहीं था, उनके घर के लोगों की समस्याएं कितनी थी। और ये कोविड पर तो ढिढोरा पीटते हैं, अरे उत्तर प्रदेश की लाशों को तो चील और कौओं ने खाया है, नंगे पांव पांव में खून लेकर के सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक माताएं बहनें हमारी पैदल चली हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इस बात को खत्म करते हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात करते हैं। क्या उन्होंने आज नई पार्टी का गठन कर लिया, अखिलेश जी से नाराज थे, अलग हो गए, पार्टी बना ली, कल संभवतः अखिलेश जी भी शामिल होंगे न्याय यात्रा में, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विचार है कि वो कल न्याय यात्रा में रहेंगे, ऐसी खबरें सुनने में आई हैं सुबह सुबह, मुझे भी पता चली, अलग होने की वजह क्या थी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके कैसे मतलब कैसे देखते हैं, पार्टी में उनका जो सब कुछ चल रहा था, जिस तरह के बयान दे रहे थे, पार्टी उनसे अक्सर किनारा करती नजर आ रही थी, क्या मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य किसके हैं, अगर मैं ये सवाल पूछूं स्वामी प्रसाद मौर्य किसके हैं? सुदीप जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी क्षेत्रों का, सभी पंथों का, सभी व्यक्तियों का हम आदर और सम्मान करते हैं, एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपने किन परिस्थितियों में साथ छोड़ा या किन परिस्थितियों में आप साथ छोड़ने जा रहे हैं। जब हमारे सर पे चुनाव है, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है, वैसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी जैसी सामंती और सांप्रदायिक पार्टी के सामने श्री अखिलेश यादव जी जैसा यशस्वी नेता
अपने विचारों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के, नीतियों को लेकर के और असंख्य लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर के 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हराने जा रहा है, उस परिस्थिति में आपने सवाल खड़ा किया। आप समय को पहचानिए कि कौन सा व्यक्ति किस समय आपका साथ छोड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि लोग आते हैं और लाभ लेकर के साथ छोड़ देते हैं। मतलब लाभ लिया छोड़ के चले गए क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है उस बात को समझिए। उन्होंने बात बहुत खुशी मन से नहीं कही है। जिस दौर में हम लड़ रहे हैं, जिस दौर में हमने संघर्ष किया है, जिस दौर में हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष बहुत सामान्य संघर्ष नहीं है। हमें पार्टी को, कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश और देश की महान जनता को बचाना है, उनके हक को दिलाना है, उनके हक की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। और इस दौर में आप अगर लंगड़ी मारने की कोशिश करेंगे तो हम गिरे या ना गिरे लेकिन आप जरूर गिर जाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी उस बटवृक्ष नेता का नाम है जिसने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, मुकाबला किया है और उनको हराया है। तो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के मन और दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं और शरीर उनका किसी और चीज के साथ चल रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अगर साथ छोड़ता है तो उस नेता के बारे में सोचिए जिस नेता ने सब कुछ आपको दिया हो, उस नेता के मन पे क्या बीतेगा, कभी इस चीज को सोचिए। दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। चलिए फिर बातचीत का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, एक लंबा वक्त हो गया, काफी अच्छी बातचीत हुई हमारे बीच सामाजिक मुद्दों पे और आप राजनीतिक पहलुओं पे बात हुई, कैसे समाजवादी पार्टी और आपका गठबंधन आगे बढ़ेगा, इस पर बहुत अच्छी बात हुई। और चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। सुदीप जी हम भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम, विकास जी को, आशीष जी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू।